ओके तो है गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में इस प्रकार की न्यू रिलिक्स से स्टेटस वीडियो को बनाने वाले हैं। अगर आप इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हम इस वीडियो को बनाएंगे अलाइट मोशन ऐप की मदद से। अगर आप अलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली से डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एडिटिंग की तरफ। बिट मार्क सेक इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस लेना। तो गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस, अलाइट मोशन स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद आपको चले जाना है नीचे में प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में चले जाना है। प्रोजेक्ट में आने के बाद बिट मार्क बाई टेक्निकल पीएस स्टेटस और सेक इफेक्ट बाई टेक्निकल पीएस है, ठीक है, पीएस स्टेटस, तो दोनों में दोनों ठीक है, यही दोनों है। तो आपको चले जाना है बिट मार्क वाले में, ठीक है। बिट मार्क वाले में आने के बाद आप देख सकते हैं पहले से ही रिलिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ फ़ोटो डालना है, ठीक है, आपको यहाँ पे फ़ोटो ही डालना है। तो फ़ोटो डालने के लिए हमें फर्स्ट वाले बिट मार्क में चले जाना है रिलिक्स के बाद, ठीक है। उसके बाद आना है फिर नीचे में प्लस है कॉर्नर पे, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मीडियम में जाना है। मीडियम आने के बाद एक फ़ोटो ले लेना है, ठीक है, कोई सा भी एक फ़ोटो ले लेना है, ठीक है। ऐसे फिर ऊपर थ्री डॉट है, थ्री डॉट क्लिक करना, फिर कंपोज एरिया कर देना है, ठीक है। फिर बाकी पार्ट को कट कर देना है। फिर नीचे में प्लस है, प्लस को क्लिक करना है। फिर मीडियम जाना है, फिर एक फ़ोटो ले लेना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर कंपोज एरिया में चले जाना है, ठीक है। फिर यहाँ से बाकी पार्ट को कट कर देना है। फिर प्लस को क्लिक करना है, फिर मीडियम जाना है, फिर एक फ़ोटो ले लेना है, ठीक है। फिर एक फ़ोटो ले लेना है यहाँ पे, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर कंपोज एरिया में चले जाना है, फिर बाकी पार्ट को यहाँ से कट कर देना है। फिर नीचे में प्लस प्लस को क्लिक करना है, फिर मीडियम जाना है। मीडियम आने के बाद फिर एक फ़ोटो ले लेना है, ठीक है, आपको कोई सा भी फ़ोटो एक अच्छे से ले लेना है, ठीक है, जैसे कि ये। फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर कंपोज एरिया में चल जाना है, ठीक है। फिर यहाँ से अगले बिट मार्क में आना है, फिर बाकी पार्ट को ऐसे कट कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे में प्लस प्लस को क्लिक करना है, फिर मीडियम जाना है, फिर एक कोई सा भी फ़ोटो ले लेना है, जैसे कि ये ऐसे इसको ले आऊँ मैं, ठीक है। फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर कंपोज एरिया में चल जाना है, फिर अगले वाले बिट मार्क में आना है। उसके बाद यहाँ से बाकी पार्ट को कट कर देना है, ठीक है। तो आप भी ऐसे सारे फ़ोटो को ऐसे डाल लेना, ठीक है, ऐसे डाल लेना सारे के सारे बिट मार्क में, जितने में हैं उतने तक, ठीक है, आप डाल लेना, मैं भी डाल लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस, आप देख सकते हैं मेरा सारे के सारे कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। मैं सारा फ़ोटो डाल लिया हूँ मैं, ठीक है, आप भी ऐसे डाल लेना। और यहाँ से हमें चले जाना है बैक, जी सिंपली से हमें बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद हमें सेक इफेक्ट्स वाले में चले जाना है। सेक इफेक्ट्स वाले में आने के बाद यहाँ पे रिलैक्स वाले इफेक्ट्स को क्लिक करना है, ठीक है, ये वाले को रिलैक्स को, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट क्लिक करना है, फिर कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। फिर यहाँ सिंपली से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद हमें चले जाना है बिट मार्क वाले में। बिट मार्क वाले में यहाँ पे अपना लोगो डाल सकते हैं, ठीक है, आप डाल लेना, ठीक है, अपना लोगो। फिर यहाँ से ये वाले रिलैक्स को क्लिक करना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर यहाँ पर पेस्ट कर देना हो गया। फिर ये वाले इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर इफेक्ट्स को, फिर थ्री डॉट क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर ये वाले रिलैक्स को क्लिक करना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है, हो गया। फिर ये वाले रिलैक्स को क्लिक करना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है, ये हो गया। फिर ये लास्ट वाले को क्लिक करना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है, हो गया। ये सारे के सारे कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ सिंपली से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद सेक इफेक्ट्स में चले जाना है। फिर यहाँ से ये वाले इफेक्ट्स को क्लिक करना है, ठीक है, ये वाले फ़ोटो वाले इफेक्ट्स को। फिर नीचे में इफेक्ट्स है कोना पे, उसको क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है, ठीक है।
फिर ये हो जाने के बाद यहाँ सिंपली से बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद वेट मार्क वाले में चले जाना है, और जहाँ पे रिलिक्स ख़त्म होगी यानी कि फ़ोटो जहाँ पे शुरू होगी वहाँ पे आ जाना है, ठीक है। फिर ये वाले फ़ोटो को क्लिक करना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर सारे के सारे में इसी को डालना है, ठीक है। तो ऐसे कर लेना, ठीक है। फिर फ़ोटो क्लिक करना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है। फिर ये वाले फ़ोटो क्लिक करना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है। सारे के सारे फ़ोटो में ऐसे करना है, ठीक है गाइस। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि किस टाइप से करना है, आप देख भी लेना, ठीक है, गौर से देख लेना कि किस टाइप से करना है, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है, तो आप भी कर लेना इसे। आप भी इस टाइप से कर लेना, ठीक है। फिर थ्री डॉट क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है, फिर यहाँ पे आ जाना है ये वाले फ़ोटो को, फिर थ्री डॉट क्लिक करना है, पेस्ट कर देना है। फिर ये वाले फ़ोटो को क्लिक करना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है। फिर ये वाले फ़ोटो को क्लिक करना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है, ठीक है, हो गया। फिर यहाँ सिंपली से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद फिर से इफेक्ट्स में चले जाना है। ये चारों लेयर दिख रहे हैं, ठीक है। ये इसको ऐसे लॉन्ग प्रेस करना, फिर एक आग करके क्लिक करना, ठीक है। फिर वीडियो के नीचे में प्लस है, प्लस को क्लिक करना है। फिर यहाँ से कॉपी फोर लेयर्स है, उसको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद सिंपली से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद बिट मार्क वाले में चले जाना है। फिर जहाँ पे फ़ोटो डाले रहेंगे वहाँ पे आ जाना है, ठीक है, ये वाले को, ठीक है, यहाँ से आ जाना है। फिर वीडियो के नीचे में प्लस है, प्लस क्लिक करना है, फिर पेस्ट फोर लेयर को कर देना है, ठीक है। ठीक है, हो गया, ये हो गया। यहाँ पर लास्ट तक आ जाना है। फिर यहाँ से सारे इफेक्ट्स को क्लिक कर करके पूरा यहाँ लास्ट तक ले लाना है, ठीक है, ऐसा करना, ठीक है। इसको क्लिक करना, ये वाले को, फोटो वाले को, क्या बोलते हैं, ये सारे लेयर्स वाले को क्लिक करना, यहाँ तक ले आना है, ठीक है। तो मेरा सारे के सारे कंप्लीट हो गया। तो आप भी ऐसे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर पे शेयर का बटन है, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट है, ठीक है, इसको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जो जो न्यू आए हैं, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही।